अब खबर ग्वालियर जिले से है, जहां नगर की कृषि उपज मंडी की 138 दुकानों की नीलामी के संबंध में मंडी सचिव ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। बता दें कि विगत दिनों कृषि उपज मंडी की 138 दुकानों की नीलामी निरस्त की गई थी, लेकिन दुकानदार और व्यापारियों की मांग पर नीलामी लोकसभा चुनाव के बाद होना तय की गई। इसके तहत ही मंडी सचिव कदम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जो भी दुकानदार भाई नीलामी में भाग लेना चाहते हैं या दुकान लेना चाहते हैं, वो लोकसभा चुनाव के बाद अपना आवेदन भर सकते हैं। ग्वालियर से योगेश पिसारिया की रिपोर्ट। मेरा कहना यह है कि 138 दुकानों की नीलामी हमारे द्वारा संपन्न की जानी थी, वो उसके विरुद्ध हमने विज्ञापन निकाला तो आवेदन 124 आए थे, उसमें से दो लोगों ने नीलामी पूर्व ही आवेदन वापस ले लिए। ऐसी स्थिति में 122 आवेदन हमारे कार्यालय में जमा हुए, तो ऐसा समिति को ऐसा लगा कि आवेदन कम है और भूखंड अधिक हैं, तो कहीं शासन को नीलामी में प्रतिस्पर्धा में कमी रहने से नुकसान न हो, तथा कई व्यापारियों ने हमको यह भी बताया कि हम आवेदन करने से वंचित रह गए हैं, हमको दोबारा मौका आवेदन का दिया जाए। इस कारणों से हमने जो है कि अधिक से अधिक आवेदन आ जाए और अच्छी बोली पे हमारे भूखंड आवंटित हों, इस कारण से दोबारा जो है भूखंडों के लिए आवेदन लेकर के दोबारा नीलामी संपन्न करेंगे लोकसभा।